आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। सनातन धर्म में हिंदू पंचांग का बहुत महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास सभी महीनों की तुलना में सबसे पवित्र महीनों में से एक है। यह हिंदू पंचांग के कैलेंडर का पांचवा महीना है। आइए जानते हैं कि इसका नाम श्रवण क्यों पड़ा। श्रवण नक्षत्र को पूर्णिमा या पूर्णिमा के दिन आकाश पर शासन करने के लिए माना जाता है, इसलिए इसका नाम नक्षत्र से लिया गया है। इस महीने के दौरान भक्त पत्रम पुष्पम और दीप दान करते हैं, फलम तोयम शिवलिंग को अर्पित करते हैं। श्रावण का महीना त्योहारों और त्योहारों का पर्याय एवं आयोजनों के लिए जाना और माना जाता है। यह सभी शुभ कार्यों को करने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस महीने के अधिकांश दिन शुभारंभ, नई शुरुआत के लिए आशाजनक होते हैं। श्रावण नाम स्वयं नक्षत्र श्रावण से आता है, जो कि पूर्णिमा पर या इस महीने के दौरान कभी भी आसमान में दिखाई देता है। बारिश के आगमन का जश्न मनाने के लिए पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, इसलिए इसका नाम सावन है। सावन का महीना धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों ही दृष्टि से बेहद पवित्र और शुभ का सूचक होता है। किसी भी तरह के मांगलिक और धार्मिक समारोहों करने का यह सबसे अच्छा समय माना गया है, क्योंकि इस महीने में लगभग सभी दिन शुभारंभ के लिए शुभ होते हैं, यानी अच्छी शुरुआत के लिए एकदम श्रेष्ठ दिन भी माना गया है। शिव पूजा का इस महीने में विशेष महत्व है। इस महीने के प्रत्येक सोमवार को श्रावण सोमवार या सावन सोमवार के रूप में मनाया जाता है। इस महीने शिवलिंग को विशेष रूप से पवित्र जल और दूध से स्नान कराया जाता है। भक्त हर श्रावण सोमवार को भगवान शिव को बेल के पत्ते, फूल, पवित्र जल, दूध और फल, पुष्प, पत्र चढ़ाते हैं। वे तब तक उपवास करते हैं जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता और अखंड दिया जलता रहता है। त्योहार हमेशा भारतीय संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं, लेकिन जब त्योहार एक पवित्र महीने के दौरान होते हैं, तो यह भक्तों और हिंदुओं के लिए उत्सव का एक और रूप लाता है। सावन का महीना अपने आप में एक संपूर्ण उत्सव है, लेकिन कई समारोह इसके भीतर आते हैं, जिनकी अपनी अलग कहानी है। इस महीने में प्रत्येक सोमवार को सभी देवालयों में श्रावण सोमवार के रूप में मनाया जाता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर जल की धारा के साथ दिन और रात में पवित्र जल और दूध से स्नान किया जाता है। श्रावण सोमवार और देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का महत्व जानिए। अनेक धर्मकथाओं, पौराणिक कथाओं, किंवदंतियों के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष में पानी से हलाहल अर्थात विष या जहर निकला। भगवान शिव ने मानव जाति को बचाने के लिए सारा विष पी लिया जो उनके गले में जाकर रुक गया। यही कारण है कि भगवान शंकर को नीलकंठ भी कहा जाता है। यह घटना श्रावण मास में हुई थी। इससे भगवान शिव के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया। तब भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया, जिससे उनके तापमान को कम करने में मदद मिली, और इसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव पर गंगाजल डाला, जिसका पालन आज भी भक्त करते हैं। कथाओं के मुताबिक यह भी कहा जाता है कि स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र चाहते थे कि भगवान शिव के शरीर का तापमान गिर जाए, और इसलिए उन्होंने बारिश के वेग को बढ़ा दिया और बारिश अत्यधिक हो गई। इसने भगवान शिव को शांत किया। उस समय से भगवान शिव का सम्मान किया जाता है और सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव पर जल चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवाधिदेव महादेव भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनकी कृपा को पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय है, जिनके जरिए देवाधिदेव को बहुत ही जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। इसके लिए सावन के पूरे महीने, विशेषकर सावन के हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। फिर आपको शिव देवालय जाना चाहिए या उचित अनुष्ठानों के साथ अपने घर में एक प्रामाणिक रुद्राभिषेक पूजा करनी चाहिए। इसके लिए बिल्व या बेल के पत्ते, धतूरा, गंगाजल और दूध महत्वपूर्ण पूजा सामग्री है। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इसके अलावा घी, शक्कर, दूध, दही, शहद से भी भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। इसके उपरांत आरती करें, प्रार्थना करें, अभिषेक पूजन होने के बाद प्रसाद का वितरण जरूर करें। श्रावण महीने में देवाधिदेव महादेव की स्तुति से होने वाले लाभों को जानिए। श्रावण के महीने के दौरान सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक सफाई की सिद्धि सहित विभिन्न आशीर्वाद मिलते हैं।
इसके अलावा जानकार आचार्य के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार रुद्राक्ष, शहद, घी, बेलपत्र आदि से भगवान शिव की पूजा करने से ग्रह दोषों के कारण होने वाले दुख या परेशानी दूर हो जाती है। इसी तरह रुद्राभिषेकम पूजा, जो अनुभवी आचार्यों द्वारा की जाती है, आपको असाध्य रोगों, वित्तीय मुद्दों और बुरे कर्मों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। यह आपको आपके करियर, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता दिला सकती है। रुद्राभिषेकम पूजा के सबसे लाभकारी पहलुओं में से एक आपकी जन्म कुंडली में दोषों और हानिकारक ग्रहों के संयोजन को हटाने में मददगार साबित हो सकती है। इसी तरह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए लघु रुद्र पूजा करने से आपको आंतरिक शांति प्राप्त करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद मिल सकती है। पथात्मक लघु रुद्र पूजा आपके आसपास की बुराई और नकारात्मकता को भी नष्ट कर सकती है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार सावन व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार देवी सती ने भगवान शिव से विवाह करने के लिए अपने पिता के खिलाफ जाने का एक नाटकीय निर्णय लिया। उसने उससे विवाह किया, लेकिन जब उसने अपने पति शिव को अपने पिता के स्थान पर अपमानित होते देखा तो उसने अपना जीवन त्याग दिया। बाद में उन्हें पार्वत राज हिमालय और नैना की पुत्री देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया गया। उसने उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए पूरे महीने घोर तपस्या और तपस्या की। परिणाम स्वरूप उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया और शिव के आराध्य साथी के रूप में आई। यही कारण है कि बहुत से लोग अभी भी इस प्रथा का पालन करते हैं और लड़कियां भगवान शिव जैसा साथी पाने के लिए लगातार 16 सोमवार का व्रत रखती है। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंतकथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावन माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।